प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हम आज बात कर रहे हैं आपके मन की, आपके मानसिक स्थिति की। आपके मन का मामला क्या होता है, मन परेशान क्यों होता है, मन में हमेशा चिंता क्यों रहती है, मन उदास क्यों होता है, या मन हमेशा प्रसन्न कैसे रहता है, मन हमेशा खुश कैसे रहता है। पहले ये समझते हैं कि आखिर आपके मन का निर्माण किस ग्रह से होता है और किस राशि से होता है। देखिए, चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। इसके अलावा बुध जो है वो बहुत हद तक आपके मन को प्रभावित करता है। हालांकि बुध मन नहीं है, बुध का मतलब आपकी बुद्धि है, और बुद्धि से आप मन को काबू में कर पाते हैं, इसीलिए बुध की भूमिका भी बहुत ज्यादा होती है। जल की जो तीन राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन तीनों का संबंध भी मन से होता है। इन तीनों राशियों में मन का हिस्सा पाया जाता है। कुंडली का चतुर्थ भाव चौथा खाना और पंचम भाव पांचवा खाना भी आपके मन से संबंध रखता है। चतुर्थ और पंचम भाव को देख करके हम ये जान सकते हैं कि आपके मन की स्थिति कैसी है। कभी कभी तिथियों का और नक्षत्रों का भी आपके मन पर असर पड़ता है। इसीलिए आप देखिए, हिंदू मैथोलॉजी में या हिंदू परंपरा में हम अलग अलग तिथियों पर उपवास रखते हैं, विशेष तिथियों पर पूजा करते हैं, विशेष तिथियों पर पवित्र नदी में स्नान करते हैं। ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आपका मन शक्तिशाली रहे और मन के ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो आपके मन के ऊपर सबसे ज्यादा असर डालता है चंद्रमा, और चंद्रमा का जरा भी प्रभावित होना आपके मन पर असर डाल देता है। बुध जो है वो अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल करता है। हो सकता है मन में तमाम बुरी बातें आती हों, लेकिन आप बुद्धि की वजह से जो उसे कंट्रोल कर पाते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि बुध शक्तिशाली होता है और वो मन को काबू कर लेता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। शास्त्र कहता है कि मन ही किसी व्यक्ति के बंधन का और मुक्ति का कारण है। मन आपका इतना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जैसा गुंजन ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है और फिर भी मन में उतार चढ़ाव बना रहता है, कारण क्या है? देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो आपका मन फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे होगा। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है ना, जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मन भी घटता बढ़ता है। और अगर बुध कमजोर होगा तो भी ऐसा होगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा अगर उच्च राशि में होता है तो भी देखा गया है कि मन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। अगर कुंडली के केंद्र स्थान खाली हो, आपको जीवन में घनघोर मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। मेंटली आप परेशान होंगे, मानसिक रूप से दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। आपके खान पान का आपके मन से सीधा संबंध होता है। जैसा आप भोजन करते हैं, जैसा आप अन्न खाते हैं, वैसा आपका मन होता है। तो अगर आप उल्टा सीधा खाते हैं, खान पान में लापरवाही करते हैं, तो मन आपका बेहतर नहीं होगा।
अगर आपकी नींद में गड़बड़ी है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती या नींद अच्छी तरह से नहीं आती, तो भी मन परेशान होगा, मन में उतार चढ़ाव पैदा होंगे। हाथ में अगर रेखाओं का जाल हो, क्योंकि हाथ में रेखाओं का जाल उनके ज्यादा होता है, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो हाथ में अगर रेखाओं का जाल ज्यादा होगा तो भी आपके मन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो एक बात आप समझिए कि चंद्रमा अगर जीवन में ज्यादा असर डालने लगे, तो चंद्रमा जैसे 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, वैसे ही आपका मन भी हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। बुध क्या करता है कि आपके मन को भटकने से, मन को तनाव में जाने से रोकता है बुद्धि के द्वारा। लेकिन अगर चंद्रमा भी कमजोर, बुध भी कमजोर, तब ये मन की स्थिति आदमी को जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।